अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल गार्डनिंग इन कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो आज मैंने रोज़ प्लांट की शॉपिंग की है, मैंने कहा आपके शेयर कर लूँ। ये वो है जो मेरे पास पहले नहीं थे और कुछ ऐसा है जो मेरे पास एक ही थे, तो इसी वजह से मैंने की शॉपिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। एक ये नया प्लांट है, नया कलर है, इसके अंदर पीछे से पेटल्स का पैटर्न और है, पीछे किस्म की अजीब तरह की वो है पेटल्स हैं और आगे से पिंक है और बहुत ही ज़्यादा पेटल्स हैं इस फूल में ना, बहुत प्यारा फूल है। मेरे पास पिंक तो बहुत सारे हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है पड़ा, तो ये एक न्यू कलर है पड़ा। फूल भी बहुत बड़ा है, अगले साल इसका फूल बहुत बड़ा निकलेगा। इस साल तो छोटे निकलेंगे, अगले साल बहुत बड़ा निकलेगा, काफ़ी अच्छा। तो ये वाला प्लांट ना काफ़ी अच्छा और हेल्दी है पड़ा, ये आप देख सकते हो। इसी वजह से मैंने ये वाला एक प्लांट लिया। ये प्लांट मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ऐसा फ्लावर। अच्छा, ये वाला जो फ्लावर है ना, ये वही वाला है जो इतना बड़ा ऑरेंज येलो ऑरेंज का मिक्सचर नहीं खिला हुआ मेरे उस गार्डन में, तो ये वही वाला है। वो मेरे पास सिर्फ एक था, तो इस वजह से मैं इस दफ़ा दो और ले आया हूँ, क्योंकि ये पहले ना तकरीबन ना 3 साल पहले ये मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट कलर होता था, तो फिर मैंने रोज़े रखना छोड़ दिए, तो अब फिर वो पिछले साल वाला है पड़ा। तो इसको मैं समझता था कि ये हाइब्रिड टी रोज है, क्योंकि हर साल ना ये एक ही फ्लावर निकालता रह गया, लेकिन इस दफ़ा ने इसने ना वहाँ पे ना दो फ्लावर निकाले हैं एक स्टेम से ना, यानी कि यहाँ से भी एक फ्लावर निकाला है। तो मैं समझता था कि हाइब्रिड टी है, लेकिन हाइब्रिड टी ना ये फ्लोरी वो सॉरी ग्रैंडी फ्लोरा है, क्योंकि इसका फूल हर हाइब्रिड टी जितना है, लेकिन ना इसकी ना एक स्टेम से एक से ज़्यादा फ्लावर निकले इस साल। पिछले पूरे साल ना यहाँ पड़ा रह गया वो, तो उसने सिर्फ एक स्टेम पे एक निकाला, लेकिन इस दफ़ा उसने एक स्टेम पे एक से ज़्यादा निकाले, जो आपको दिखाया भी था मैंने। तो एक ये प्यारा सा फूल है, एक ये भी बहुत बड़ा फूल आप देख सकते हो मेरी उस वीडियो में, और ये है पड़ा येलो कलर। येलो कलर ना मेरे पास बहुत ही कम थे, नियर अबाउट एक प्लांट था येलो कलर का, क्योंकि येलो मेरे पास है ही नहीं, येलो मैं लाया ही नहीं। तो इस दफ़ा ना मैं येलो ले आया हूँ, येलो के दो प्लांट ले आया हूँ, दोनों डिफरेंट तरह के येलो हैं। ये वाला येलो ना बाद में आई थिंक सो वाइट हो जाता है, और इसका क्रीमी सा कलर होता है किस्म का ना। एक ये है पड़ी, ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट। अच्छा, इनके ना नीचे ना वो भी सही है, ये काफ़ी दिनों के पड़े हैं, वो जो मैंने वो नहीं की थी शॉपिंग, ये उसके साथ है। तो उस वक्त तो मैंने नहीं लिए, तो अब मैंने ये एक मेरा पीछे पहले वाला खिला हुआ है। अच्छा, ये भी येलो है, ये और तरह का येलो है, इस तरह का है कोई येलो, इसका फूल टूट गया मेरे से। तो यहाँ आप देख लो, ये वाइट दिख रहा है लेकिन ये है येलो, इसका रंग उड़ गया क्योंकि कई दिन के पड़े हैं, यहाँ से टूट गया है मेरे से फूल। तो एक ये येलो है, एक ये येलो है, दोनों और तरह के। अच्छा, और ये जो है ना, ये वही वाला है, ये वाला ये देख सकते हो आप, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लोरी बंडा है, सॉरी ग्रैंडी फ्लोरा है, क्योंकि ना इस पर ना एक स्टैम्प पे एक से ज़्यादा लगे पड़े हैं। ये वाले नहीं, इस पर यहाँ पे एक स्टैम्प पे एक ही, इस पर एक ही है और इस पर भी एक ही, जैसे मैं निकालता है ऐसे, लेकिन इस पर एक स्टैम्प पे एक से ज़्यादा निकलती हैं, और ये बहुत ही प्यारा फूल होता है। ये हाइब्रिडी है, ये ग्रैंडी फ्लोरा है, देखो कितनी सारी इस पर कलियाँ हुई हैं। ये वही वाला कलर आप देखें, इसमें रेडनेस आ रही है, येलो भी होता है, रेड भी होता है, और ना फिर जाके थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर भी आ जाता है, लेकिन सर्दी में ना ये ऐसे कलर निकालता है, गर्मी में ना ये तकरीबन आई थिंक येलो हो जाता है पूरा ही, रेडनेस खत्म कर देता है अपनी। ये और ये एक ही प्लांट है, ये दोनों येलो हैं, और ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था कलर, और एक ये आया है, ये भी बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। ये एक किस्म का ना कट फ्लावर के तौर पर ना बड़ा ही प्यारा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो कितना प्यारा प्लांट है, इसको ना क्या हुआ पड़ा था, इसको उन्होंने पानी नहीं दिया हुआ था, तो ना ये बहुत ढीला ढाला सा था, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। ये बहुत ही प्यारा फूल आप देख सकते हो, और इसकी एक पतली सी स्टेम में इसकी गाची नीचे सूखी पड़ी थी, लेकिन प्लांट अभी अच्छा था तो मैं ये ले आई, क्योंकि मेरे पास कलर है नहीं, ये कलर है मेरे पास लेकिन ऐसा फूल नहीं, इसकी पेटल्स ज़्यादा हैं, ये वाला है मेरे पास, ये छोटा है, इसी का छोटा वर्जन है, ये मेरे पिछले साल वाला है, ये देख रही हो, इसको फूल भी तोड़ दिया किसी ने, ये देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको देखो और इसको देखो, है ना भाई, उसका छोटू वर्जन है ये वाला। तो यही थी मेरी शॉपिंग, आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और ये मेरे पुराने कुछ रोज़ेस
छीन ले रहे हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिए। और ये पड़े हैं, इनके मैं फ्लावर काट कर दिए था, ये दोबारा आएंगे, किसी किसी के दोबारा आने लग गए हैं। ये पता नहीं कौन सा है, ये वही वाला, ये वाला। और ये खिल रहा है, और ये ब्लैक बकारा। तो ये हैं मेरे रोज प्लांट्स जो कि अच्छे चल रहे हैं काफ़ी, और ये अब जो मैं लाया हूँ वो हैं। ये अब मेरी आई थिंक तो फाइनल ही होगी क्योंकि इसके बाद मैं नहीं लूँगा। ये थोड़े कलर अच्छे थे और बहुत सारी पेटल्स थी इनकी, तो इसी वजह से मैं ले आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।